तो गाइस अगर आपका बजट है 17,000 रुपए और उसमें आपको चाहिए एक बेस्ट पावरफुल स्मार्टफोन तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि भाई आपको बताया कि 16 से 17,000 रुपए के बजट के अंदर अभी के टाइम पे उतने ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन नहीं है जो कि पहले के टाइम पे आते थे। क्योंकि पहले के तो टाइम पे 12,000 रुपए के फोन में भी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लोग कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन स्किप करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा, यानी पूरे साफ वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई कौन सा स्मार्टफोन आपको बाई करना चाहिए। तो भाई फीचर्स तो यहाँ पर आपको टॉप नोच के मिल जाते हैं, यानी 120Hz की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और एक पावरफुल चिपसेट मिल जाता है। एंड इसी के साथ आपको मिलती है 6000mAh की बैटरी, 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 12GB की रैम मिल जाती है। तो गाइस वीडियो के साथ ही साथ बताता चलूंगा कि कौन सा स्मार्टफोन किस यूजर के लिए परफेक्ट रहेगा और नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे नंबर 1 तक जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमने स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 4 से, जो है कि Redmi Note 12 5G स्मार्टफोन है। देखो इस स्मार्टफोन को ऐड करने का रीजन है वो मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूं, लेकिन जो Redmi के स्मार्टफोन है ना वो कम बजट के अंदर अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं और भाई लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी बिल्ड क्वालिटी वहां पे मिल जाती है। तो इस वजह से मैंने इस स्मार्टफोन को ऐड करा है। और एक और स्मार्टफोन है जो कि अभी फिलहाल के अंदर ही लॉन्च हुआ है, जिसको मैं वीडियो के आगे ऐड करा है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो भाई ये स्मार्टफोन Android 13 पर रन करता है और 8mm की थिकनेस से 188 ग्राम का स्मार्टफोन है, तो काफी ज्यादा लाइट वेट और स्लिम स्मार्टफोन है। यानी इसके बैक में आपको प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है और डिजाइन वगैरह मुझे एकदम सही लगी, लाइक जैसे कि पोको X5 है उस तरह की डिजाइन यहाँ पे आपको मिल जाती है लवसम में। एंड इसके अलावा इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, जो कि इस स्मार्टफोन का हाईलाइट पॉइंट है, यानी 6.6 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले जो की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। एंड वही 120Hz का स्मूथ डिस्प्ले है, 240Hz का टच सैंपलिंग रेट है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। और इसी के साथ आउटडोर के लिए आपको मिलती है यानी 1200 nits की पीक ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो मुझे बजट के हिसाब से टॉप नॉच की मिली, यानी ऐसी डिस्प्ले आपको इस बजट में और कोई ब्रांड ऑफर नहीं करता है। अगर आप मीडिया वगैरह ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो डिस्प्ले आपके लिए टॉप नॉच की रहने वाली है। एंड इसी के साथ बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 48MP का है और 8MP का अल्ट्रा वाइड। एंड इसके फ्रंट में 13MP की सेल्फी है, यानी इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। तो कैमरा क्वालिटी मुझे बजट के हिसाब से सही लगी और काफी अच्छी फोटो आप इससे खींच सकते हैं। एंड कैमरे से आपको कोई भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 चिपसेट मिल जाता है, यानी इसका 4.5 लाख के अराउंड अंतुतु स्कोर मिल जाता है और यानी 40fps की गेमिंग आप इसके अंदर आराम से कर सकते हैं बिना लैग के, और इसके अंदर कोई भी हीटिंग इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके अलावा हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है और भाई 5000mAh की बैटरी है, यानी 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो बैटरी नॉर्मल यूजर्स पे एक दिन आराम से चल जाएगी। एंड इसी के साथ आपको मिल जाती है भाई सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाता है, यानी डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट मिल जाता है। तो ऑडियो की जो क्वालिटी है ना वो आपको मच बेटर देखने को मिल जाती है, डिसेंट आप बोल सकते हैं। इसी के साथ प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर आपको मिल जाती है 4GB रैम, 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिलती है 15,500 रुपए के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। कभी कभी ये 14,000 रुपए के अंदर भी सेल होता है। तो देखो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको एक ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए, यानी आपका बजट 15,000 रुपए के आसपास है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्मार्टफोन है, यानी अगर आपका बजट 15,000 रुपए से भी कम है, यानी 13,000 रुपए है, तो आप ले सकते हैं पोको X5 जो कि एक गेमिंग स्मार्टफोन है, वहां पे भी आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो गाइस वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, जो है कि Realme 11 5G स्मार्टफोन है। और भाई आपको भी पता है Realme अपनी अच्छी डिजाइन और अच्छी कैमरा क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो मेरे ख्याल से आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो ये स्मार्टफोन Android 13 पर रन करता है, यानी 8mm की थिकनेस है, 190g का ये स्मार्टफोन है, तो काफी ज्यादा स्लिम स्मार्टफोन है। एंड भाई इसके बैक में आपको मिल जाती है
प्लास्टिक वो ये और डिजाइन वगैरह वाकई में काफी ज्यादा प्यारी देखने को मिलती है। इसके अलावा अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, यानी 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक IPLCD पैनल है, लेकिन 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले है एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और आउटडोर के लिए आपको मिलती है 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो मुझे बजट के हिसाब से एकदम सही लगी, यानी यहाँ पे कलर्स वगैरह काफी अच्छे आ जाते हैं, मीडिया वगैरह कंज्यूम करने में आपको मजा आने वाला है। तो अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है एंड इसके फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, यानी इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पे। देखो कैमरा क्वालिटी मुझे उतनी ज्यादा खास नहीं लगी, यानी जो 108 मेगापिक्सल के नाम से जो कैमरा ये दे रहे हैं उतने अच्छा परफॉर्म नहीं करता, यानी ठीक ठाक फोटो आप इससे खींच सकते हैं। अगर बात लो लाइट की हो तो वो एकदम कवाड़ी से फोटो निकल के आते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 6100 प्लस वाला चिपसेट मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस इस बजट के हिसाब से थोड़ी सी वीक है, लेकिन और अच्छी होती तो काफी अच्छा रहता, लेकिन इस बजट के अंदर आपको और भी अच्छे अच्छे चिपसेट मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको मिलता भाई ट्रिपल कार्ड स्लॉट है और 5000 mAh की बैटरी है, यानी 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, यानी 17 मिनट के अंदर 50% आपका स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा, तो ये एक अच्छी बात लगी मेरे को। नॉर्मल यूजर्स पर बैटरी एक दिन आराम से चल जाती है इसकी। एंड इसी के साथ आपको मिलती भाई सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलती है 8GB रैम 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 17,000 रुपए के बजट के अंदर। तो भाई मैं इस फोन को उन यूजर्स के लिए ज्यादा रिकमेंड करूंगा जिनको भाई अच्छी डिजाइन चाहिए एंड अच्छी कैमरा क्वालिटी चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं इस बजट के अंदर। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसा बात करते हैं वीडियो के सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो है कि मोटो G54 5G स्मार्टफोन है। देखो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, खुद मैंने पर्सनली इस स्मार्टफोन को बाई करा है और काफी टाइम से इसको मैं यूज कर रहा हूँ। देखो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, कैमरा क्वालिटी हो चाहे वो परफॉर्मेंस हो या फिर वो डिस्प्ले हो, टॉप नॉच के फीचर्स हैं। देखो इसके बैक में आपको प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है, यानी 8.9mm की थिकनेस है, 192 ग्राम का स्मार्टफोन है, तो थिकनेस यहाँ पे आपको एवरेज मिल जाती है। एंड डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, यानी 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक IPLCD पैनल है और भाई 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले पंच होल कटआउट के साथ मिलती है और HDR10 सर्टिफाइड है, तो जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो मुझे बजट के हिसाब से अच्छी लगी। और Motorola अपने फोन्स के अंदर अच्छी क्वालिटी का पैनल यूज करता है, तो उस हिसाब से डिस्प्ले मुझे टॉप नॉच की लगी। एंड इसी के साथ बैक में डुअल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जिसमें मेन कैमरा OIS के साथ आता है, और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, तो जो कैमरा क्वालिटी है वो मुझे बजट के हिसाब से टॉप नॉच की लगी, यानी जो वीडियो है वो OIS के हिसाब से स्टेबल नहीं है, यानी बहुत ही ज्यादा हिलती है, और कैमरा क्वालिटी डेलाइट कंडीशन में अच्छी फोटो क्लिक कर पाएंगे। एंड इसी के साथ भाई आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 7020 वाला चिपसेट है, जो कि इस चिपसेट में आने वाला ये एक पहला स्मार्टफोन है और परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, यानी 40fps की गेमिंग आप इसके अंदर आराम से कर सकते हैं, और भाई GFX टूल यूज करके मैं इसमें 60fps की गेमिंग करता हूं, काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है और कोई भी हीटिंग इशू इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसी के साथ हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है और भाई 6000 mAh की बैटरी है, यानी 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो नॉर्मल यूजर्स पे बैटरी 2 दिन आराम से चल जाती है और भाई यहाँ पे क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिससे आपके फोन में कोई भी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, तो जिससे बैटरी आपकी लॉन्ग टाइम तक चलती है। एंड इसी के साथ सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो भाई 8GB रैम 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 14,000 रुपए के अंदर, आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। एंड 12GB रैम 256GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको 16,000 रुपए मिल जाती है, तो भाई अगर आपका बजट 16,000 रुपए के आसपास है तो इससे अच्छा स्मार्टफोन आपको नहीं मिलेगा, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं रेफर करूंगा कि आप 12GB वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। देखो अच्छी बात यह है कि कोई भी एड्स वगैरह नहीं है और कोई भी जिटनेस आपको इसके फोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगी और काफी अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते और बात करते हैं नंबर 1 वाले स्मार्टफोन के बारे में, जो है कि Redmi Note 13 5G, जो कि यह स्मार्टफोन हाल फिलहाल के अंदर ही लॉन्च हुआ है। देखो इस फोन के अंदर कुछ खास बातें हैं और कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, जो मैं आपको वीडियो के आगे
बताने वाला हूँ जो कि आपको बाय करने में हेल्प करने वाली है। देखो भाई, ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर रन करता है और भाई MIUI 14 पर रन करता है। एंड इसके अलावा 7.6 mm की थिकनेस है, 173 ग्राम का स्मार्टफोन है, यानी इस लिस्ट का सबसे हल्का स्मार्टफोन है और काफी स्लिम स्मार्टफोन है। तो भाई इसके बैक में प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है और डिजाइन भाई मुझे काफी ज्यादा प्यारी लगी है। इस फोन की डिजाइन में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। तो अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, यानी 6.7 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले जो कि एक एमोलेड है और 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले पंचोल कटआउट के साथ मिलती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है और आउटडोर के लिए आपको मिलती है 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो मुझे बजट के हिसाब से एकदम टॉप नॉच की लगी। कलर्स वगैरह एकदम काफी अच्छे आ जाते हैं। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो रेडमी के फोन्स होते हैं उनमें जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो ज्यादातर बेटर देखने को मिलती है। इसी के साथ बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एंड इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। यानी इसके बैक कैमरे से आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ओनली 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पे। लेकिन प्राइस के हिसाब से मुझे कैमरा क्वालिटी एवरेज लगी, जो कि 3x जूम में फोटो खींच सकते हैं, जो कि देखने में थोड़ा अच्छा फीचर्स मिल जाता है। एंड इसी के साथ आपको मिलता है डायमेंसिटी 6080 वाला चिपसेट है। परफॉर्मेंस भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी मिल जाती है, यानी 40 fps की गेमिंग आप इसके अंदर आराम से कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है और भाई 5000 mAh की बैटरी है, 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, वो नॉर्मल यूजर्स पे बैटरी एक दिन आराम से चल जाती है। इसी के साथ सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें मोनो स्पीकर्स मिलते हैं तो ऑडियो का आउटपुट आपको ठीक ठाक मिल जाता है। इसी के साथ फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो 6GB RAM 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 17000 रुपए के अंदर। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं बैंक वगैरह ऑफर लगा के। देखो भाई अब बात आती है कि इस फोन को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो इस फोन को मैं आपको बाई करने के लिए मना करूंगा क्योंकि इस बजट के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं ना वो आपको 14000 रुपए के स्मार्टफोन में मिल जाते हैं, जो है कि Redmi Note 12 5G में, जो कि काफी अच्छा स्मार्टफोन है। देखो इस फोन में आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, इसकी जगह पे आप कोई और स्मार्टफोन ले सकते हैं। तो गाइस ये थे आपके बेस्ट स्मार्टफोन जिनको आप खरीद सकते हैं 17000 रुपए के बजट के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।